Hey, what's up, you guys? तो आज मैं आपको बताने वाला सिर्फ 5 फैशन मिस्टेक्स जो हर टीनेजर मतलब हर टीनेजर करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका ना उस लिस्ट के अंदर ना डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। दैट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स हॉप इनटू। नंबर 1, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए अगर मुझे स्टाइलिश दिखना तो। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि अगर आपको स्टाइलिश दिखना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास ऐसे क्लोथ्स होने चाहिए यू नो दैट जो आपके बॉडी पर अच्छे से काम करे। फॉर एग्जांपल इस टी शर्ट का एग्जांपल ही ले लो, फुल स्लीव है, ना ही ज़्यादा महंगी है, ऑलवेज मिड रेंज टी शर्ट है और डेफिनेटली मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो यही आपको चीज करनी है। अब आप सोच रहे हो कि इसका सोल्यूशन का, तो इसका सोल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर छुपा है, तो देखते रहो। नंबर 2 इज नॉट फोकसिंग ऑन बेसिक्स फर्स्ट, यानी उनके पास बेसिक्स नहीं होते हैं पहले, वो पहले ही चमकीले धमकीले टी शर्ट शर्ट पैंट दैट फटी फटी पैंट पहले वो खरीद लेते हैं। आप बाद में खरीदे इनको, लेकिन पहले आपके पास बेसिक होने चाहिए। बेसिक्स यानी कि आपके पास सॉलिड कलर टी शर्ट होनी चाहिए, जैसे आप देख सकते हो ना इस पे पैटर्न बने, तो आपके पास पहले ये नहीं होनी चाहिए, आपके पास पहले होनी चाहिए बेसिक जिनके ऊपर सॉलिड कलर हो, कोई भी पैटर्न ना हो। शर्ट्स की बात करें तो वो भी आपके पास बेसिक होनी चाहिए। तो कलर की बात करें ना, आपके पास इन कलर की शर्ट्स डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक क्लोथ होंगे ना तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। और फिर आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। डेफिनेटली आपके पास बेसिक्स होना पहले जरूरी है। नंबर 3 इज द ड्रेस टू इम्प्रेस टू अदर्स, यानी कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो ड्रेस करते हैं। अब देखो बहुत सारे टीनेजर्स, ये बहुत ज़्यादा टीनेजर्स गलती करते हैं कि उन लोगों को पसंद है ना मैं तो वही कपड़े पहनूंगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको अपना पर्सनल स्टाइल फॉलो करना चाहिए। अब जो उन्हें पसंद है वो आपको पसंद नहीं होगा डेफिनेटली, तो जो आपको स्टाइल पसंद है उन्हीं स्टाइल को फॉलो करो पहले, ठीक है। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ही टीनेजर्स गलती करते हैं कि वो उन लोगों के कहने पे चलते हैं जिनसे उनको कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। तो क्या होता है, इन चक्कर में बहुत सारे नो दैट बहुत सारे बॉयज़ यानी कि लड़के ना बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, नो दैट गुची की शर्ट टी शर्ट खरीदते हैं, उनकी बेल्ट्स, उनके मतलब ब्रांडेड महंगे महंगे शूज़ खरीदते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। तो अपने पर्सनल स्टाइल को आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर 4, ये थोड़ा थर्ड पॉइंट से मिलता जुलता है, इज वियरिंग सेम एज देयर फ्रेंड वेयर, यानी कि जो भी उनके फ्रेंड्स पहनते हैं ना, जैसे वो कपड़े पहनते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वो कॉपी करते हैं, और फिर जब ग्रुप में निकलते हैं ना सभी सेम दिख रहे होते हैं, कोई भी अलग नहीं दिख रहा होता। लेकिन अगर आपको अलग पहचान बनानी है तो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट पहनिए, ठीक है ना। स्टाइल के अंदर ये होता है अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आके स्टाइल को ट्राई करना। तो आपके जो फ्रेंड्स पहनते हैं ना उनसे आप डिफरेंट पहनोगे, और कहीं भी आप नो दैट ग्रुप में जाओगे ना आप डिफरेंट दिखोगे, डिफरेंट दिखोगे, यूनिक दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, हैंडसम तो डेफिनेटली दिखोगे क्योंकि आप सब्सक्राइबर हो इस चैनल में। हाँ जी, तो अपने फ्रेंड्स को कॉपी नहीं करना है, कॉपीकैट बिल्कुल भी नहीं बने, फॉलो योर पर्सनल स्टाइल। एंड फाइनल नंबर 5 इज नॉट वियरिंग एक्सेसरीज। देखो यार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती भी है टीनेजर्स की, कि वो एसेसरीज बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं। वो उन्हें लगता है कि यार ये जो एसेसरीज है ना ये सभी लड़कियों का काम है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये लड़कियों का काम है। तो देखो एसेसरीज के अंदर आप सिंपल एक वॉच के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक कली वॉच भी आपकी स्टाइल लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, एलिवेट करती है आपके स्टाइल को, ठीक है। तो एसेसरीज ऐड कर लीजिए, वॉच, ब्रेसलेट, थोड़ी सी रिंग्स, नेकलेस, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है आपको ओवर नहीं करना है, जैसे कि आपने ये सारा कुछ इकट्ठा ही पहनना है, बिल्कुल भी नहीं। आप सिंपल एक वॉच पहनिए या फिर रिंग पहनिए, वॉच पहनिए, ब्रेसलेट पहनिए, वॉच पहनिए, नेकलेस पहनिए, या फिर आप बस आपको ज़्यादा नहीं करना है। तो एसेसरीज से आपकी जो स्टाइल है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस डेफिनेटली कर देना, ताकि आपको स्टाइल, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।